एक मिनट आगे आओ तो कौन खा जाओ आओ इधर आओ इधर आओ मैं हरदीप सिंह सैनी अध्यक्ष गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब साकेत नगर से। ये गुरुद्वारा 2012 में बना था, उसके बाद हमारा यही उद्देश्य था कि एम्स में आने वाले जो मरीज हैं उनके परिजन हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करें और रहने की व्यवस्था करें। इसमें से हम एक लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। हमने खाने की सेवा हम डेली करते हैं, लगभग हमें 3 साल हो गए हैं। लगभग शुरुआत जब थी तब करीब 60 लोग आते थे, आज की तारीख में 200 से 250 आदमी डेली लंगर छकता है यहाँ पे। ये लंगर डेली हमारा 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक रहता है। इसकी सेवा बनाने की सेवा 8:30-9 बजे सुबह शुरू हो जाती है। जितने भी लोग काम करते हैं सब यहाँ पे वॉलंटियर हैं, कोई भी पेमेंट वाला नहीं है, सब अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं। तो यही हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम लंगर के और बढ़ाएँ। हम ये चाह रहे हैं कि और लोग हमसे जुड़ें ताकि ये एक मानव सेवा है, सब इसका साथ दे सकें। नहीं, एम्स में आने वाले जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिए खाना है और उनके लिए है। बाकी संडे के दिन हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें सारे भोपाल के करीब लोकल भी सब आ सकते हैं। इसमें खाली बाकी दिनों में खाली एम्स मरीजों के लिए हमने रखा है इसका है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था, रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेवा देता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, लोगों की परेशानी देख के अपने को भगवान पर और भी आस्था जमती है, गुरु बाबा जी के और भी नतमस्तक होते हैं। मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि गुरु बाबा जी पे मत्था टेक के आया करें। लोगों में जागृति आ रही है धीरे धीरे। आदमी स्वयं अपना परेशान रहता है तो इधर ध्यान कम जाता है, मगर अब लोगों में समझदारी आ रही है और सब अच्छे से काम करते हैं। हमको भी भगवान पे आस्था है, हम चाहते हैं सभी लोग संपूर्ण विश्व सुखी समृद्ध सब परिवार स्वस्थ रहे, ये हमारी कामना है। मेरा नाम तरजिंदर सिंह राजपाल है और जब से ये गुरुद्वारा बना है 2012 से तभी से मैं इन्वॉल्व हूँ और कैशियर हूँ इधर, और आज भी वही करता हूँ। हमारा यही एम है कि बस जितने भी ये आएँ राशि खुशी खाएँ पिएँ और अपना ईश्वर के ऊपर ये माथा टेकें। ये एम्स गुरुद्वारे में हम रोज़ जाते हैं सेवा करने। यहाँ पे कम से कम 150 से 200 लोग रोज़ लंगर छक के जाते हैं। लंगर जो है रोज़ाना उनके खाने का ज़रिया है, अलग अलग तरह का रोज़ बनता है, दाल चावल या रोटी सब्जी, दाल रोटी, और इसके अलावा कभी छोले राजमा भी बनते हैं और इडली सांभर पोहा संडे को अलग रहता है। ये हम बनाने आते हैं, रोज़ सेवा करने आते हैं, इसका मसाला काटना जो भी करना, और ऐसे हमारा पूरा ग्रुप है जो बनाता है। और बाकी एक अंकल भी आते हैं, सेवा करने वाले बहुत हैं यहाँ। ये सेवा करके खुशी मिलती है। हमारे पहले गुरु जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने ये सेवा का महत्व बताया था कि जिस ज़रूरतमंद जो हैं उन्हें खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए। यही हमारे धर्म में लिखा हुआ है और हम इसे फॉलो करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो गुरु नानक देव जी के 10वें वो जामे में कहा जाता है कि वो थे, और उन्होंने वो भी उनका भी प्रकाश पर्व है 2 तारीख को, परसों विशेष आयोजन पाठ रखेंगे आज 5। वैसे क्या है कि संडे को मुख्य रख के कि संडे को छुट्टी रहती है तो इसलिए संडे को करना है हमने, तो 3 तारीख को पाठ रखेंगे जो 48 घंटे का लगातार पाठ होता है, उसको अखंड पाठ साहिब कहते हैं। 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक रहेगा और फिर 5 को उसका भोग पड़ेगा और फिर लंगर बनाया जाएगा और खिलाया जाएगा सबको। टीकमगढ़ से। हाँ, मतलब कौन भारती है आप? हाँ, मेरा भाई है, बड़ा भाई भारती है। तो लंगर में आप लंगर खाने आए हैं और
हाँ रात हमें खाना खाने आए। ठीक है, मतलब जो मरीज आते हैं वो परेशान नहीं होते हैं, उनका मतलब पैसा बच जाता है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, तो बढ़िया है। कब से हमें 3 बार आ चुका हूँ अभी। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।